फ्रेंड्स, वाह स्वाद किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेसन के लड्डू। कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि लड्डू दानेदार और अच्छे नहीं बनते हैं। हमने सोचा है कि आज हम आपको एक ऐसी टिप्स बताएंगे जिससे कि आप लड्डू को हलवाई जैसा बना सकेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे हमारी नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए 250 ग्राम बेसन, 150 ग्राम भूरा शक्कर, 8-10 बादाम के टुकड़े, 8-10 काजू के टुकड़े, 100 ग्राम देशी घी, 10 से 12 छोटी इलायची, ये सब आप अपनी आवश्यकता अनुसार कम ज्यादा कर सकती हैं। सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें हम बेसन डालेंगे। बेसन दो तरह के होते हैं, एक बारीक और एक मोटा। लड्डू बनाने के लिए हम मोटा बेसन लेंगे, उससे क्या है लड्डू बहुत दानेदार हलवाई जैसे बनते हैं। बारीक बेसन के लड्डू मुंह में चिपकते हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच देशी घी डालेंगे। और इसे अच्छे से मिलाएंगे। घी को अच्छे से मिला लिया है, अब इसमें हम 2 चम्मच दूध डालेंगे। और इसे भी अच्छे से मिलाएंगे। हमने मोटा वाला बेसन लिया है जिससे लड्डू बहुत ही अच्छे बनेंगे। दूध और घी को अच्छे से हमने मिला लिया है, अब गैस पे कढ़ाई चढ़ा के उसमें देशी घी डालेंगे। कढ़ाई में देशी घी डाल दिया है, अब इसे थोड़ा गर्म होने देंगे। घी गर्म हो गया है, अब इसमें हम बेसन को डालेंगे और फ्लेम को स्लो ही रखेंगे। बेसन को धीरे धीरे करके भूनेंगे, 5 से 7 मिनट में ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और इसका कलर भी एक बदल जाएगा, इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। बेसन एकदम सिक गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम गैस बंद करेंगे और थोड़ा इसे ठंडा होने देंगे, फिर इसमें शक्कर मिलाएंगे। अगर पहले ही शक्कर मिला देंगे तो ये चाशनी की तरह लड्डू कड़े कड़े हो जाएंगे। सिका हुआ बेसन ठंडा हो गया है, अब इसमें हम शक्कर मिलाएंगे। इसमें हम भूरा शक्कर मिलाएंगे। अगर भूरा शक्कर घर में नहीं हो तो आप शक्कर को पीस के भी मिला सकती हैं। शक्कर को अच्छे से मिलाएंगे और इसमें छोटी इलायची का पाउडर भी डाल देंगे और ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है। सभी चीजों को हमने अच्छे से मिला लिया है, अब इसे हम हाथ से और अच्छे से मिलाएंगे। अब इसका छोटा छोटा लड्डू बांधेंगे। लड्डू आप अपने हिसाब से बांध लीजिए, छोटा बड़ा जैसा भी चाहिए वैसे आप बांध सकती हैं। अब हम इसे लड्डू की तरह बनाएंगे, गोल गोल। देखिए कितने आसानी से लड्डू बन रहे हैं। देखिए कितने आसानी से बने हैं लड्डू। चीनी आप कम ज्यादा अपने हिसाब से कर लीजिए। कुछ लोग ज्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ा ज्यादा चीनी डाल लीजिए, और जो कम मीठा खाते हैं वो कम चीनी डालें। इसी तरह से सारे लड्डू बना लेंगे।
सारे लड्डू बनके तैयार हैं। ये बनाने में आसान और खाने में स्वादिष्ट होता है। कम सामान में झटपट बनकर तैयार हो जाता है। अगर कोई मेहमान आए तो आप उनके आगे सर्व कर सकती हैं। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। आप भी बनाइए और खाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको बेसन के लड्डू कैसे लगे। इसे आप किसी भी चीज़ से गार्निश कर सकती हैं, चाहे बादाम, काजू, किशमिश, किसी भी चीज़ से आप इसे गार्निश कर सकती हैं।